25 मई को दहिसर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने आके उसके पति गुमशुदा है करके कंप्लेन दिया था। वो दहिसर पुलिस स्टेशन ने वो कंप्लेन रजिस्टर की और उसके गुमशुदा पति की तलाश शुरू की। बीच में उस जो वहाँ पे वो रहने वाले हैं उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की, उसके पत्नी से भी पूछताछ की, तब उसने जो हमें सामने कुछ बातें आई उससे हमें पता चला कि कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। तो पति पत्नी ने जो उसका स्टेटमेंट दिया वो बार बार उसने अलग अलग स्टेटमेंट देने की वजह से उसके ऊपर हमें ज़्यादा शक हुआ। हमने ज़्यादा हमारे गोपनीय सूत्रों से हमने जब ज़्यादा उससे पूछताछ किया तो हमें पता चला कि जो मयत है उसके जो पति है जो गुमशुदा आदमी है उसकी जो पत्नी है उसका अनैतिक संबंध किसी दूसरे से चल रहा है करके हमने उस एंगल से भी हमने इंक्वायरी किया तो हमें पता चला कि वो एंगल हो सकता है। तो बाद में हमने जो रहने वाला घर है वो घर में हमने जब वहाँ पे ठीक से उसकी छानबीन की तो हमें पता चला कि कुछ टाइल्स जो है वो नई लगाई गई है। तो हमने वो टाइल्स निकालने के बाद में नीचे हमने थोड़ा सा मिट्टी हटाई तो हमें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। तो उस वो डेड बॉडी जो गुमशुदा आदमी है उसी की है करके हमने निष्पन्न किया। उसके पत्नी से ज़्यादा पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसने मर्डर किया है, उसके जो प्रियकर था उसकी मदद से उसने मर्डर किया है। वो बातें हमारे सामने आई और दहिसर पुलिस स्टेशन ने डिटेक्शन स्टाफ ने वो जो दूसरा आरोपी था उसे भी हमने 5 घंटे में उसको अरेस्ट किया हुआ है। पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों उसके हाथ? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन में और बहुत बातें निष्पन्न होंगी। आरोपी के बैकग्राउंड क्या क्या करता है? आरोपी जो है वहाँ पे छोटा मोटा धंधा करता है, उसी इलाके में रहने वाला है और 3 महीने से उसकी जो मयत है उसकी बीवी के साथ में उसका कांटेक्ट था। जमीन के अंदर डालने का भी बाहर लेके जाने के मौका नहीं मिला या इस तरह से बातें? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चल रहा है कि ये फुल पहले से ही प्लानिंग करके उन्होंने ये सब मैंने पूरा घटना को इंतजाम किया है। सर, ये मर्डर रंगे हाथों पकड़ा गया है, पति ने उसका रंगे हाथों इन्वेस्टिगेशन अभी पकड़ा? चल रहा है लेकिन जो अभी मर्डर हुआ है वो फुल पहले से उनका प्लानिंग था, ये अभी निष्पन्न हुआ है। सर, सुनने में ये भी आया उसकी 2 संतानें हैं, 6 साल की बेटी है और 2.5 साल का बेटा है, तो क्या ये भी रहे हैं क्या इस घटना के, और क्या इनके भी बयान लिए हैं? उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, एक ये भी आ रहा है कि उसके जो मृतक है उसके पेट टुकड़े करके उसको गाड़ा गया है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, टुकड़े किए गए नहीं है। मौत आखिर कैसे, चाकू लिया, गला दबाकर हुई है, क्या कुछ? उसका अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद में एग्जैक्ट उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, किस हत्यार से मारा है और उसकी मौत एग्जैक्टली कब हुई है वो हमें उसके पीएम कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा। उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है।